नमस्कार। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जरा देखिए। एक घायल लड़के को किस तरह से शिवराज सिंह चौहान अपने हाथ से उठाते हैं, गाड़ी में बिठाते हैं और अस्पताल पहुंचाते हैं। दरअसल मामा तो ड्रामा करता है। अगर आप सियासत से जुड़े हैं और सियासत से नहीं भी जुड़े हैं तो सियासी चर्चाओं का हिस्सा रहे। दरअसल सियासी चर्चाएं तो पान की दुकान से लेकर चौपाल तक कहीं भी होती हैं। तो आपने ये शब्द जरूर सुना होगा कि मामा तो ड्रामा करता है। और मध्य प्रदेश में जब तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे तब तक तो विपक्ष ने उन्हें नौटंकीबाज भी करार दिया। लेकिन ये जो दृश्य है ये सोचने पर मजबूर करता है कि शिवराज सिंह चौहान जब तक मुख्यमंत्री थे तब तक तो वो जो कुछ भी करते थे वो बहुत तेजी से मीडिया में चलता था, बहुत तेजी से अखबारों में छपता था और उनकी तारीफ में लोग कसीदे भी पढ़ते थे। और ऐसे ही उनके विरोधी, उनके जो आलोचक हैं वो ड्रामा कहते थे। लेकिन क्या मुख्यमंत्री न रहने के बावजूद से भी सड़क से निकलते वक्त उन्हें कोई घायल दिखता है और वो अस्पताल उसे पहुंचाने में देरी नहीं करते हैं तो क्या अब भी वो ड्रामा ही कर रहे हैं? दरअसल ड्रामा और संवेदना दोनों के बीच में फर्क समझने की आवश्यकता है। उन तमाम लोगों को जो किसी कारणवश या तो उनकी आलोचना करते रहे या किसी कारणवश उनकी तारीफ करते रहे, कारण बहुत सारे होते हैं और आप तो समझदार हैं, समझते भी हैं कि क्या क्या कारण होते हैं किसी की तारीफों के पुल बांधने के और क्या क्या कारण हो सकते हैं किसी की आलोचना करने के। बहुत सारे आलोचक विपक्ष में भी हैं, बहुत सारे आलोचक, बहुत सारे विरोधी शिवराज सिंह चौहान के उनके अपने खुद के राजनीतिक दल में भी होंगे। लेकिन ये जो दृश्य है इस दृश्य के अलावा भी बहुत सारी तस्वीरें पिछले 20 साल की ऐसी हैं, बहुत सारी बातें 20 साल की ऐसी हैं। शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री बने तब से लेकर वो मुख्यमंत्री अब नहीं है तब तक क्या कुछ शिवराज सिंह चौहान ने किया? लाडली बहना को क्रेडिट कितना मिला कितना नहीं मिला? लाडली बहना को क्रेडिट मिला भी तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्यों नहीं है? ये तमाम विषय हैं। इन विषयों पर मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में बेहद चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन आज हम केवल ड्रामा और संवेदना दोनों के बीच में ही बात करें। अपने हाँ मामा जी साथ है, मेरे आदमी जा रहा है, हमारे पूरी तरह साथ में, कोई बात करो अभी ठीक हो जाओ। हमारे साथ मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पहले उनसे बात कर लेते हैं कि आखिर ये जो तस्वीर है इससे लेकर तमाम ऐसे क्या किस्से हैं, तमाम ऐसी क्या बातें हैं जो शिवराज सिंह चौहान को ड्रामेबाज नहीं बल्कि संवेदनशील करा देती। रमेश शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। दरअसल ये जो तस्वीर अभी हाल की सामने आई है, पहले के बहुत सारे उदाहरण आपके दिमाग में तत्काल आ जाएंगे कि कब किस तरह से उन्होंने सहायता की, इस तस्वीर पर आप क्या कहना चाहेंगे और पुराने जो तमाम संस्मरण हैं उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मोटे तौर पर इस तस्वीर को लेकर के किसकी क्या प्रतिक्रिया है तो वो सब लोग तो वो जाने, लेकिन मेरी दृष्टि में ये तस्वीर बिल्कुल बनावटी और ड्रामा नहीं है, क्योंकि शिवराज संवेदनशील व्यक्ति बचपन के हैं, आज के उनके आगे बहुत परिपक्व हो गए काफी आसपास के और काफ से ऊपर हो गए, लेकिन जब वो बालवे में थे किशोर वय में थे तो खेत में अपने ही खेत में काम करने वाले श्रमिक की किसी समस्या को लेकर के वो पिताजी से उलझ गए थे। तो ये संवेदनाएं उनकी पहले से हैं और कल्पना कर सकते 90-91 से तो वो निराश्रित बच्चियों को गोद लेकर के उनके पालने का प्रबंध, उनके विवाह का प्रबंध निजी जिंदगी में वो सारा कर रहे हैं, तो वो संवेदनशील है। ये अलग बात है कि कई बार उनकी संवेदना का अतिरेक होता है जिसके वजह से
तरह तरह की बात करते हैं, लेकिन कमल हृदय हृदय संवेदनशील व्यक्ति तक है। बिल्कुल संवेदनशील व्यक्ति हैं। और संस्मर आपने प्रमुख दो चीजें बता दी, वो जब उन्होंने अपने पिता के खिलाफ ही खड़े हो गए थे मजदूरों की बात को लेकर, ये हमने बार बार सुना है। लेकिन अगर सरकार की दिशा की बात कर लें, क्योंकि विषय खेत अपने खेत में काम करने वाले मजदूर को लेकर पिता से बगावत कर लेना, विरोध पिता का कर लेना उससे लेकर, और उन्होंने अपने निजी जीवन में जो किया कन्याओं को गोद लेना, उनकी शादी कराना, सरकार ने जब ये तमाम चीजें की उसके बाद भी विपक्ष ने हमेशा निशाने पर लिया, कभी ये कहा कि ये तो केवल वोट कबाड़ने की राजनीति है, कभी ये कहा कि केवल नौटंकी है। अब जो विपक्ष है वो एकदम शांत है, जैसे शिवराज जी जो है वो जी देखिए मोटे तौर पर एक बात समझ लीजिए, जब वो मुख्यमंत्री शिवराज बने थे तो उनकी आप कुछ योजनाएं देखिए जो संसार में या भारत में बिल्कुल अलग रही। जैसे उन्होंने एक जननी सुरक्षा योजना लागू की कि गर्भवती महिलाओं को किस प्रकार हम सुरक्षा दे सकते हैं ताकि उनकी प्रसव वेदना में उनका उपचार ठीक हो। दूसरा उनकी जो लाडली लक्ष्मी योजना थी कि कन्याएं जन्म के साथ ही उनका कुछ पैसा जमा हो, फिर मुख्यमंत्री विवाह योजना हो या बुजुर्गों को तीर्थ कराने की योजना हो, आप कल्पना कर सकते हैं स्वतंत्रता के बाद शिवराज जी से पहले किसी राजनेता ने केंद्र के हो राज्य के हो इन चीजों पर भी समाज की आधारभूत आवश्यकता है। कम से कम अगर प्रसव वेदना में सुरक्षित नारी को मिले, बच्चा सुरक्षित हो, बोझ न बने, वरदान बने, ये जो कल्पना अगर है तो ये निश्चित रूप से ये शिवराज जी की कल्पना है। इसके अलावा आप कल्पना कर सकते हैं शिवराज जी से पहले किसानों की जमीन में नीलाम हो जाती थी, 15% और 16% उनका ब्याज लगता था, वो चक्रवर्ती ब्याज पता नहीं क्या क्या लगता जाता था, तो उन्होंने 0% ब्याज पर किसान को दिया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कोई भी सरकार या राजनेता दो तरह के काम करते हैं, एक काम तो वो होता है जो लोगों की नजर में बहुत अच्छा आए, लेकिन एक दूसरा काम जो होता है कहीं कहीं आधारभूत जड़ को मजबूत करना, कहीं कहीं किसान की जड़ को मजबूत करना, परिवार की जड़ को मजबूत करना, समाज की जड़ को मजबूत करना। विशेषकर जिस तरीके से बीच के मध्यकाल में नारी की और कन्याओं की जो स्थिति बनी उसको पुनर्सम्मान किस प्रकार हो सकता है, वो सारा का सारा उन्होंने इस मामले में काम किया है। तो शिवराज संवेदनशील हो सकते हैं, ये ठीक है कि आप वो राजनीति में है तो कुछ न कुछ राजनीति के ही होंगे। दूसरा एक मैं बताऊं जिसको कह सकते हैं, हालांकि यद्यपि वो कन्या से और सब चीज से अलग हट करके, जिसको प्रति उत्पन्न मति जिसको कह सकते हैं संवेदनात्मक, पार्टी के पास पैसा नहीं था और उनके अगर कहा कि आपको प्रचार करना तो वो अपनी बैठी टांगकर हाथ में माइक रख करके हाट में जा करके वो जो खड़े नमक की बोरियां गांव में आती थी पशुओं को देने के लिए, चार बोरी इकट्ठा करके उस पर खड़े होकर भाषण देने लगते थे। तो कुल मिलाकर के पार्टी के प्रति संगठन के प्रति ये भी एक संवेदना है कि अगर अर्थव्यवस्था नहीं है तो खुद ही अकेले जा करके ये सब काम करना। तो कुल मिलाकर के वो एक संवेदनशील कर्मशील सतत सक्रिय रहने वाले व्यक्ति हैं, तो वो इस तरीके से शांत होकर के चुप होकर के नहीं बैठ सकते, वो कुछ ना कुछ काम समाज सेवा का अवश्य करेंगे। जी बिल्कुल, समाज सेवा का काम अवश्य करेंगे। हालांकि अगर इस विषय पे मैं आपसे सवाल करूंगा कि उनका भविष्य क्या है तो ये चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी, इसपे अगले किसी एपिसोड में जरूर बात करेंगे, क्योंकि वर्तमान समय में ये सवाल जो है बहुत सारे लोगों के मन मस्तिष्क में चल रहा है। वो जो विरोधी है वो अंदर ही अंदर बहुत बहुत प्रसन्न है, और वो जो साथ खड़े होकर अंदर ही अंदर विरोधी थे वो तो अत्यंत प्रसन्न है। तो जो प्रसन्नता है वो दोनों में है, ये अलग एक विषय हो जाता है। एक बात मुझे आपसे बातचीत में याद आ रही जो आपने पहले भी उल्लेख किया, क्योंकि हम अब तक बेटियों और मामा मामा भांजे भांजियों की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि एक योजना ऐसी भी मध्य प्रदेश में आई जिस योजना को लेकर ये कहा गया कि तीर्थ भेजना सरकार का काम नहीं। देश है और कहीं ना कहीं आस्थावादी देश है, तो यहाँ प्रत्येक बुजुर्गों के मन में कोई ना कोई तीर्थ करने की इच्छा सदैव रही है। तो ऐसी स्थिति में वो इच्छा उनकी बुजुर्गों की पूर्ति हो, फिर उसके साथ एक सहयोगी रहे, क्योंकि उसकी आयु बुजुर्गों की ज्यादा होती है तो उनको असिस्टेंस भी लगता है,
तो ये जो योजना उन्होंने बनाई, ये वाकई बहुत अद्भुत योजना बनाई, और इसके कारण कितने लोग हैं जिन्होंने तीर्थ दर्शन किए हैं और तीर्थ दर्शन करके कहीं ना कहीं उनकी आत्मा को संतोष हुआ है। तो कहीं ना कहीं समाज और संस्कृति के जो आधारभूत बिंदु है, शिवराज उसका काम करते हैं। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। और चूंकि ये जो जानकारी है, ये जो ज्ञान है, ये बहुत सारे लोगों को है भी, लेकिन हाँ, शिवराज जी को जितना करीब आप जानते हैं, जितना अच्छे से जानते हैं, निर्णय आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत के लिए। I love you too. तो क्या अब भी आपको लगता है कि ये बात केवल ड्रामे तक सीमित है? शायद नहीं लगता, लेकिन जो हुआ, जो होते रहा, वो तमाम बातें बार बार याद आएंगी। और ये भी तय है कि चूंकि मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में जब सोचता हूं, तो राष्ट्रीय नेताओं ने ये निर्णय क्यों लिया, ये प्रश्न बार बार मेरे दिमाग में भी आता है और बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है। लेकिन जेपी नड्डा जी का एक इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने पत्रकार के सवाल के जवाब में ये साफ तौर पर कहा कि अनुभवी और ऊर्जावान नेताओं को पार्टी हमेशा जिम्मेदारी देती है। तो शिवराज सिंह चौहान ने तो अपने काम से ये सिद्ध किया है कि वो ऊर्जावान भी हैं और वो संवेदनशील, तो उन्हें जिम्मेदारी मिलेगी। वो जिम्मेदारी को पहले कभी देने की कोशिश हुई थी, जिम्मेदारी क्यों नकार दिया था, अब उस जिम्मेदारी को लेंगे नहीं लेंगे, ये उनके स्वविवेक पर निर्भर करता है। हाँ, लेकिन विपक्ष अब शिवराज सिंह चौहान के नाम पर मौन है, क्योंकि अब वो मुख्यमंत्री नहीं है और निशाने पर भी नहीं।